रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जीओएम की बैठक हुई। बैठक में रक्षा खरीद के नियम कायदों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने का फैसला हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि रक्षा खरीद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कमेटी को मंजूरी दे दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद प्रक्रिया डीपीपी 2016 और रक्षा खरीद नियमावली डीपीएम 2009 की समीक्षा के लिए महानिदेशक अधिग्रहण की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी। समिति को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बाकायदा इस फैसले की जानकारी दी। ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से उपजे हालात पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई थी, जिसमें आज ही ढील दी गई है। इसके अलावा कल ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। कश्मीर मुद्दे पर भारत के पक्ष में रूस और फ्रांस जैसे देश मजबूती से खड़े रहे, जबकि कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि चीन को छोड़कर ज्यादातर देशों ने भारत के रुख को बेहतर समझा है। इसी के साथ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये बैठक रक्षा मंत्री के परमाणु बयान के ठीक एक दिन बाद हुई है। इससे पहले पोखरण में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की परमाणु नीति पर बोलते हुए कहा था कि परमाणु आयुध को लेकर अब तक हमारी नीति पहले इस्तेमाल न करने की रही है। अब भविष्य में क्या होता है ये उस वक्त के हालात पर निर्भर करता है। जाहिर है मौजूदा राजनीतिक और कूटनीतिक हालात के बीच हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम की बैठक कई मायनों में खास रही। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।